दिए देव किन्तु ब्लॉगे एटा लग तो नहीं रहा कि ऐसे मतलब कीड़िंग ऐसे जाके हिट किया मतलब हवा में यू नो ओके सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब वेलकम बैक टू माई चैनल. टुडे इज गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू व्लॉग अबाउट यू नो वेल टुडे इज गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू व्लॉग अबाउट माई बाइक्स सिक्स्थ सर्विसिंग. या सो टुडे आई एम headed towards Royal Enfield Service Center. एक दो हफ्ते से मेरे बाइक के लिए ड्यू हो गया है. वैसे भी मेरा तो वो बाइक के लिए सर्विस सेंटर से AMC है मेरा करवाया हुआ बाइक के लिए. अरे यार ये जब मिलता है ना रास्ते में एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज यू आर राइडिंग अ रॉयल एनफील्ड ट्यूब टायर्स. दे पुट अप दोस पैंडल्स यू नो यूजिंग बैम्बू एंड यू नो नट्स एंड स्क्रूज और सड़क पे रह जाता है. और यू नो इफ यू आर राइडिंग अ स्पोक व्हील बाइक यू नो द रेस्ट. मेरा एक दोस्त भी आने वाला है. एक साल भी नहीं है उसका बाइक का लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उसका ये जो है ना मीटर कंसोल के ऊपर का ये जो ग्लास नहीं मतलब प्लास्टिक या फाइबर जो है कवर वो फट गया है. टूट गया नहीं कह सकते क्योंकि वो बोल रहा है कि बाइक गिरा या कुछ नहीं हुआ था क्रैक आ गया है उसमें. सो दैट्स गना गेट फिक्स्ड. ही चेक्ड विद द सर्विस सेंटर सो दे सेड दैट ही कैन क्लेम वारंटी फॉर दैट. सो या मिलेंगे उससे. चल क्या रहा है. अच्छा कोई शायद गिड़ गया था. ये किसी और बाइक या गाड़ी में नहीं हो रहा है. ये मेरे बाइक का वो पीछे का ब्रेक नहीं हो रहा है. ये वाला चीज़ दिखाना पड़ेगा. अरे सिग्नल भी मिल गया. सर्विस रोड लेना पड़ेगा. यार धूप निकल गया कितना. इसका लास्ट सर्विसिंग जो हुआ था दैट हैपेंड अराउंड सितंबर लास्ट ईयर. सो इट्स बीन ओवर 6 मंथ्स. नथिंग एज सच मेजर इश्यूज बट थोड़ा वही मतलब नॉर्मल सर्विसिंग का टाइम आ गया जैसा आपको पता चलता है कि थोड़ा वाइब्रेशंस यू नो हैंडल बार पे बढ़ गया है. बियॉन्ड 80 अगर आप जाओ या फिर थोड़ा टॉप रेंज पे अगर रेव करते हो तो थोड़ा वो फील होता है. वर्कशॉप अभी तक खुला नहीं. 8:57 ओके. ज्योति भी आया नहीं अभी तक. चलो एंट्री करवा लेता हूँ. वर्कशॉप अभी तक नहीं खुला. 9 AM को खुलेगा.
ये है कि ये मेरे बाइक का 6th सर्विस नहीं बल्कि 7th सर्विस है, हो गया इतना उम्र। तो अभी बाइक चला गया सर्विस सेंटर में, जॉब कार्ड भी बन गया और टाइम एस्टिमेट है कि शाम से पहले बाइक मिलने वाला है नहीं। ओके सो बाइक सर्विसिंग इज डन। ये रहा ज्योति, चल सामने किधर आई। हो गया मेरा बाइक का 7th सर्विस। ब्रेक्स आर फीलिंग अ बिट स्पॉन्जी, नेवर माइंड, दे हैव सॉल्वड दैट थिंग, यू नो, नॉइस कमिंग फ्रॉम द रेयर ब्रेक, समथिंग वॉज स्टक बिटवीन द ब्रेक पैड्स। सो या अभी 2:30 बज रहे, तो बोला था कि शाम को 4 बज जाएगा, शायद 3 या 4 बज जाता, लेकिन लकीली आगे मिल गया। इसका बाइक का पूरा ये पूरा सेक्शन मीटर कंसोल चेंज हुआ, अंडर वारंटी, अंडर वारंटी। अच्छा है, पूरा नया है अभी, ओडो जीरो से। ओडोमीटर फ्रॉम जीरो, या 0.1 किलोमीटर, मुबारक हो। अरे टीडीपीएफ तेल बोर्ड भाई के। ये मेरा दोस्त शुभ्र ज्योति, हाँ फोन साथ पूछ रहे थे, ही वॉज आस्किंग अबाउट ज्योति's इंटरकॉम, इट्स ASG। ओके सो वी गोना हैव सम टी एंड देन लीव। चलो भैया हो गया आज के लिए काम। दिए देव किंतु व्लॉग एटा कुछ चीज़ें बदले गए हैं बाइक में, फील हो रहा है। कौन सेट चेंज हुआ मेरा, और कुछ चेंज हुआ है, क्लच केबल चेंज हुआ, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ये राइट साइड चला जाएगा। सो बाय बाय ज्योत्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय यू नो 7th सर्विस, स्पेसिफिकली द पार्ट्स व्हिच हैव बीन चेंज्ड इज जस्ट यू नो द एंटायर कोन सेट, बेयरिंग एंड ऑल, क्लच केबल, बस हाँ और कुछ चेंज नहीं हुआ। यू नो नट्स एंड बोल्ट्स इधर उधर, स्पेशली हैंड गार्ड्स, ये इसमें थोड़ा टाइट वाइट देना पड़ा, हाँ ये और ये, और इसके अलावा सर्विसिंग नॉर्मल सर्विसिंग जैसा होता है। एंड द टोटल बिल फॉर टुडे 7th सर्विसिंग ऑफ माय बाइक वाज, इतना कम मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एटलीस्ट 4000, लेकिन 4000 का हाफ भी नहीं लगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ माय 7th सर्विसिंग परा ओनली 1641, मतलब 1500 रुपये से थोड़ा ज़्यादा, और कुछ नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाता, बस ये क्लच केबल और ये जो कोन सेट, इनके लिए जितना चार्ज लगा। और मेरा जो लास्ट 6th सर्विसिंग था उसमें मतलब अच्छा खासा वो ब्रेक पैड्स एंड ऑल उसमें चेंज हुआ था। ज्योति का जो बाइक है दैट्स मीटियो 350, मुझे तो जितना लग रहा है उसका ये जो कीरिंग है ना, वो जो रॉयल एनफील्ड का मोटा कीरिंग जो आता है मेटल का भारी, वो कीरिंग है उसके बाद। अभी लग तो नहीं रहा कि ऐसे मतलब कीरिंग ऐसे जाके हिट किया, मतलब हवा में यू नो बफेटिंग की वजह से ऐसे जाके हिट किया, लेकिन पता नहीं कुछ करके इस उसका बाइक का ये जो पोर्शन है मीटर कंसोल के ऊपर जो ग्लास या प्लास्टिक फाइबर मटेरियल जो भी है, ट्रांसपेरेंट जो चीज़ है, वो टूट गया। तो हो गया मतलब वारंटी क्लेम भी हो गया थैंक्स टू सर्विस सेंटर, फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरा पूरा मीटर कंसोल यू नो चेंज हो गया, उसका रिप्लेस हो गया। तो अभी नया मीटर कंसोल है उसके बाइक में। आई होप कि आज का जो व्लॉग था
सिंपल ब्लॉक था, सेवेंथ सर्विसिंग ऑफ माई बाइक एंड एज यू नो दिस इज अ हिमालयन BS6 2020 मॉडल। नहीं देते, चलो बस वाले ड्राइवर को थैंक यू। सो या हिमालयन BS6 2020 मॉडल एंड ऑफकोर्स बिल का तो स्क्रीनशॉट आपने देख ही लिया स्क्रीन पे, अच्छा खासा पसीना पसीना हो रखा है पूरा हेलमेट के अंदर। बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको सेवेंथ सर्विस का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट देन प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वो घंटा है ना से उसे भी बजा दो, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, सो टिल देन राइड सेफ बी सेफ बाय बाय।